नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप चारकोल को यूज़ करके बहुत अमेजिंग टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, चारकोल नो डाउट एक मैसी मीडियम है, लेकिन अगर आपको एक बार यूज़ करना आ जाए चारकोल, तो फिर उसके बाद आप बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं चारकोल को यूज़ करके। दोस्तों, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पाउडर, जो कि मैंने खुद ही बनाया है बाय सैंडिंग चारकोल स्टिक्स ऑन सैंड पेपर। दोस्तों, बारीक वाले सैंड पेपर पर आप उसको सैंड करके वो जो डस्ट फिर आती है उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सॉफ्ट हेयर की ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट हेयर की सिंथेटिक ब्रश, और आप देख सकते हैं कि इससे कितनी ईजिली, और ब्रश के मार्क्स भी आ रहे हैं, ब्रश की लाइन भी आ रही है। इट्स लाइक आई एम पेंटिंग विद चारकोल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तरीका कितना ज़बरदस्त है कि आप सिर्फ ब्रश को यूज़ करके आप ब्रॉड एरिया कवर कर सकते हैं चारकोल पाउडर के साथ। और आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ और वेवी टेक्सचर आया है, कि जैसे जिस डायरेक्शन में आप ब्रश स्ट्रोक्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन का आपको टेक्सचर मिलेगा। अगर आपको स्मूद और यू नो 45 वाले एंगल पर चाहिए स्ट्रोक्स, तो आप उसी एंगल में ब्रश को चलाएँगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप चारकोल यूज़ करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने जो हाथ है ना, वो चारकोल पाउडर से जब भी जैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि आपके हाथ पे ना दोस्तों ऑयल रहता है, क्योंकि और अभी तो गर्मी का सीज़न है तो थोड़ा मॉइस्चर रहता है, और जो चारकोल जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्व करता है, तो जब भी आपकी फिंगर या कहीं पे भी टच होगा तो वहाँ से वो लिफ्ट ऑफ हो जाता है। तो चारकोल यूज़ करते वक्त आप उस चीज़ का ध्यान रखें। अभी यहाँ पर मैं पेपर लिया, उसको क्रम्बल कर लिया है, बटर पेपर मैंने लिया है, और आप देखेंगे कि कितना बढ़िया टेक्सचर इसका आया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कैमरा में इतना विजिबल नहीं है, बट इट एक्चुअली वो जो एक ग्लास टेक्सचर होता है ना, कि ब्रोकन ग्लास, वो टेक्सचर हमें दोस्तों यहाँ पर मिला है। और इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों का इम्प्रेशन ट्राई कर सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये टूल मैं आपको बनाना बताऊंगा, जो ये पोटली से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको कोई भी मुलायम कपड़ा लेना है और उसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए बैक साइड से, और उसको दोस्तों हाथ में जैसे आप देख पा रहे हैं उसको इस तरीके से ट्विस्ट करके और फिर ऊपर से थोड़ा डैब कीजिए। अभी एक रबर बैंड लेके उसको एक दो बार राउंड अप कर दीजिए, रबर बैंड को दो तीन बार उस पर लगा दीजिए। और दोस्तों, ये हमारा टूल जो है रेडी हो गया, और इसको यूज करके आपको कॉटन यूज करने की आदत छूट जाएगी। दोस्तों, ये लार्ज एरिया कवरिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि आपको बैकग्राउंड चाहिए डार्क बैकग्राउंड, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास यूज्ड वन है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग एक और टेक्सचर ट्राई करते हैं। मैं सिर्फ डैब कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसको चारकोल पाउडर पर डिप करता हूँ और फिर जस्ट डैब कर रहा हूँ मैं उसको, ज़्यादा यू नो फोर्स करके पेपर पर रब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा उसको रब किया तो वो पेपर के अंदर चला जाएगा, और अगर मुझे उसको फिर कहीं से लिफ्ट ऑफ करना होगा तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा। अभी मैं आपको ये वाला यूज़ करके दिखा देता हूँ, जो नया वाला मैंने बनाया है अभी आपके सामने। दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी एक्सेस जो चारकोल पाउडर है वो इस पर रहने दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हम इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं नेक्स्ट, उसके लिए ये नेसेसरी है। और इसको बहुत लाइटली आपको डैब करना है दोस्तों, कि जो वो है ना उसकी सरफेस पर आपको रखना है चारकोल को, उस पर आपको ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको रब मत कीजिएगा पेपर पर, अगर आपको ये टेक्सचर चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि उस पर आप कुछ चीज़ टच करें तो वहाँ से चारकोल लिफ्ट ऑफ हो जाए, ताकि हम अच्छे टेक्सचर ले सकें। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है एसीटोन, जिसे हम रबिंग एल्कोहल भी बोलते हैं, और ये बहुत कमाल की चीज़ है, इससे अभी हम लोग टेक्सचर क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कैमरा के थोड़ा नज़दीक उसको कर लिया है, ताकि आप देख पाएँ ईजिली कि किस तरीके से वो रिएक्ट करता है जब उस पर स्प्रे किया जाता है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो स्प्रे की पावर से जो चारकोल पाउडर है वो उड़ भी रहा है, और अभी मैं बहुत बहुत जेंटली स्प्रे कर रहा हूँ। अगर मैंने बिल्कुल एकदम से फिस फिस करके स्प्रे कर दिया तो वो सारा पाउडर ही उड़ जाएगा वहाँ से, और जो टेक्सचर हमें चाहिए, जो इफेक्ट हमने क्रिएट करना है, वो नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों एसीटोन क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया है उसके बाद ये दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये इवेपोरेट हो जाता है बहुत जल्दी। अगर आप वाटर यूज़ करेंगे इस प्रोसेस के लिए तो वाटर जो है वो दोस्तों पेपर को भी डैमेज कर सकता है और वो काफ़ी नीचे तक आ जाएगा स्पिल ऑफ होके। और ये एसीटोन दोस्तों रबिंग अल्कोहल आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से या फिर किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, या फिर आप जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना उसके अंदर भी एसीटोन होता है, एक एसीटोन फ्री होता है एक एसीटोन वाला होता है, तो वो एसीटोन वाला आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अमेजिंग टेक्सचर यहाँ पर हमारे पास आया है। और आप ये अपनी ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं, आप बड़े काम में यूज़ कर सकते हैं कि आप फुल इम्पीरियल पे कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर कहीं पे आपको टेक्सचर चाहिए तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कुछ ड्राइंग्स भी बनाई थी लास्ट नाइट इस टेक्निक को ट्राई करने के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखिए कि कितना अच्छा टेक्सचर यहाँ पर नीचे आया हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है आर्ट से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक चारकोल पोर्ट्रेट का ट्यूटोरियल मैं करूं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।